पर रवि के पास आ जाएगी रुपीज फिफ्टी राजू के पास आ जाएगी रुपीज और रॉय के पास आ जाएगी रुपीजी फाइव रोहित को रुपीज फाइव थाउजेंड की एक करना था। तो वो बैंक गया पैसा निकालने मगर वो देखा कि उसके बैंक के अंदर कुछ भी पैसा नहीं है चौक के अंदर कैल्शियम के दस पार्ट्स प्रेजेंट है कार्बन के तीन और ऑक्सीजन के बारह इसके अलावा आपको का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन शॉर्ट के लेक्चर में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते है हेलो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन हमारा पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रेशियो टू परसेंटेज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम को में करते इस टॉपिक को देखने से पहले जान लेते हैं जहाँ पर दो या दो से ज्यादा क्वान्टिटीज को कम्पेयर किया जाता है रेशियो हमें बताता है की कि कितने टाइम्स एक वैल्यू प्रेजेंट है दूसरे वैल्यू के रेस्पेक्ट में या फिर क्वान्टिटीज का मतलब है किसी चीज का एक अमाउंट जैसे की फाइव बुक्स एक क्वान्टिटी हो जाएगा उसी तरीके से थ्री पेन भी एक क्वांटिटी हो जाएगा तो रेशियो ऐसे दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर हमें एक बैग के अंदर कुछ डेरी मिल्क ऑफ एस्ट्रा चॉकलेट दी गई हमें डेयरी मिल्क और फाइव स्टार का रेशियो फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूंगा डेयरी मिल्क और बाद में लिखूंगा फाइव स्टार और उसके बीच में एक रेशियो का सिंबल ऐड कर दूंगा इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इज टू तो ये हो जाएगा तो डेयरी मिल्क इज टू फाइव स्टार तो यहाँ पर अब इस बैग के अंदर तीन डेयरी मिल्क चॉकलेट प्रेजेंट है और छह फाइव स्टार चॉकलेट तो यहाँ पर डेयरी मिल्क के बदले में लिख दूंगा थ्री और फाइव स्टार के बदले में लिख दूंगा सिक्स तो यहाँ पर अब रेशियो आ चुके हैं थ्री इज टू सिक्स हमेशा हमें रेशियो को सिम्पलेट फॉर्म में लिखना होता है तो इसलिए मैं यहाँ पर कैंसिलेशन करूंगा तो थ्री वन जीरो थ्री हो जाएगा और थ्री टू जो हो जाएगा सिक्स तो हमें सिम्पले

कहती है कि अगर हमें इडली बनाना है तो हमें राइस की दो पार्ट्स लेने और उड़द दाल के एक पार्ट तो इसका मतलब यहाँ पर राइस और दाल का रेशो आ जाएगा टू इज टू वन क्यूँकी इडली बनाने के लिए हमें दो राइस के पार्ट्स लेने और एक उड़द दाल के यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जिसमें मैंने दो राइस के पार्ट्स लिए और एक उड़द दाल के अगर तो हम ये मिक्सचर लेंगे तो हम इन चीजों से इडली बना सकते हैं यहाँ पर हमें सोलूशन में बताना है कि इस बॉल के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ राइस प्रेजेंट थे और कितना परसेंटेज ऑफ उड़द दाल तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम राइस और उड़द दाल का फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं तो इसलिए मैं टोटल पार्ट फाइंड आउट कर दूंगा यहाँ पर हमें दिख रहा है की टोटल पार्ट इक्वल टू हो जाएगा टू प्लस वन के जो की इक्वल टू हो जाए थ्री के क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल तो पार्ट तो तो तीन, तीन लिए थे दो राइस के और एक उड़द दाल की तो इसका मतलब तीन पार्ट में से दो पार्ट्स राइस के और तीन पार्ट में से एक पार्ट उड़द दाल का है तो यहाँ पर राइस का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मैं टू बाई थ्री को मल्टीप्लाई कर दूंगा हंड्रेड से तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री तो अगर मैं टू हंड्रेड को थ्री से डिवाइड कर दूं तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा सिक्सटी सिक्स टू बाई थ्री उसी तरीके से उड़द दाल का भी परसेंटेज आ जाएगा थर्टी थ्री वन बाई थ्री तो यहाँ पर हमने राइस और उड़द दाल का परसेंटेज फाइंड आउट कर दिया चलिए एग्जाम्पल नाइन देख लेते इस एक्साम्पल हमें दिया गया रुपीज टू फिफ्टीज टू बी डिवाइडेड अमो रवि राजू एंड रॉय सो दैट रवि गेट्स टू राजू गेट्स थ्री पार्ट एंड रॉय गेट्स फाइव हाउ मच मनी विल गेट वट विल इट बी इन परसेंटेज यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें रुपीज टू फिफ्टी को तीन बच्चों में इस तरीके से बांटना है ताकि रवि को दो टुकड़े मिले राजू को तीन टुकड़े और रॉय को पांच टुकड़े तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है की सब बच्चों को कितने पैसे मिलेगे और बाद में हमें बताना है की सभी बच्चों को कितने परसेंटेज ऑफ मनी मिले तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें गिवन कि रवि को दो हिस्से मिलने चाहिए राजू को तीन और रॉय को पांच तो इसका मतलब यहाँ पर रेशियो आ जाएगा टू इटू थ्री टू फाइव यहाँ पर सबसे पहले हमारे यहाँ पर हम हम कह सकते हैं कि रवि के पास दस हिस्सों में से दो हिस्से है यानी इसके पास टू आउट ऑफ टेन हिस्से आए उसी तरीके से राजू के पास आए थ्री आउट ऑफ टेन पार्ट और रॉय के पास आए फाइव आउट ऑफ टेन पार्ट पर हमें टोटल मनी गिवन था रूपीज टू फिफ्टी तो रवि के पास आ जाएगा टू बाई टेन ऑफ रुपीज टू फिफ्टी क्योंकि रवि के पास टू बाई टेन पार्ट था रूपीज टू फिफ्टी का हमने चैप्टर टू में देखा था कि हम ऑफ को सब्सट्यूट करके मल्टीप्लीकेशन का साइन लिख सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर टू बाई टेन इंटू रुपीज टू फिफ्टी लिखा गया है तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर टेन वन जट टेन हो जाएगा और टेन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा टू फिफ्टी टू इंटू ट्वेंटी फाइव करने पर हमें मिल जाएगा रुपीज फिफ्टी तो यहाँ पर रवि के पास रुपीज फिफ्टी थे उसी तरीके से राजू के पास रुपीज ट्वेंटी फाइव थे और रॉय के पास रुपीज वन ट्वेंटी फाइव थे नेक्स्ट हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्रैक्शन को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना होता है तो यहाँ पर टेन वन जट टेन हो जाएगा टेन टेन जो हंड्रेड हो जाएगा टू इंटू टेन करने पर हमें मिल जाएगा ट्वेंटी परसेंटेज उसी तरीके से राजू के पास रुपीज टू फिफ्टी का पार्ट था उसी तरीके से रॉय के पास 250 का छुट्टा तो तो लेके आया तो यहाँ पर रवि के पास आ जाएगी रुपीज फिफ्टी राजू के पास आ जाएगी रुपीज और रॉय के पास आ जाएगी रुपीजी फाइव हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम इंक्रीज और डिक्रीज को परसेंट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम अमाउंट ऑफ चेंज को डिवाइड करते हैं ओरिजिनल अमाउंट से और फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं हंड्रेड से यहाँ पर अमाउंट ऑफ चेंज बताएगा की कि कितनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई ओरिजिनल अमाउंट चेंजेस आने वाले से पहले वाला अमाउंट है चलिए इस फॉर्मुले के ऊपर एक एक्जाम्पल देख लेते हैं इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया पॉपुलेशन इन सिटी इंक्रीज फ्रॉम फिफ्टीन टू सेवेंटी थाउजेंड फाइन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो इस एग्जाम्पल में हमें

अमाउंट आ जाएगा पॉपुलशन में चेंजेस होने वाले से पहले लोग मल्टीप्लाई करेगी हंड्रेड से जैसा कि हम करने में करते हैं तो जाएगा, जाएगा, जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा फाइव थ्री हो जाएगा फिफ्टीन फाइव हो जाएगा टू हंड्रेड तो यहां पर हमें फोर्टी डिवाइड बाई थ्री करना है तो मैं अंदर लिख दूंगा फोर्टी और बाहर लिख दूंगा थ्री और ये हो जाएगा डिवाइजर तो यहाँ पर थ्री वन जो थ्री हो जाएगा सब करने पर मिलेगा वन

डिफॉरिस्टेशन के बाद उस फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज 500 से 200 तक डिक्रीज हो गई तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस फॉरेस्ट के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ ट्रीज डिक्रीज हुए तो पर हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में आता है अमाउंट ऑफ चेंज तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि ट्रीज में कितना चेंजेस आए थे तो पहले थे फाइव हंड्रेड ट्रीज बाद में हो गए टू हंड्रेड ट्रीज तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ चेंज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर फाइव हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड के जो कि इक्वल टू होता है थ्री हंड्रेड में यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा थ्री हंड्रेड डिनोमिनेटर में आ जाएगा ओरिजिनल अमाउंट ऑफ ट्री जो कि था फाइव हंड्रेड और परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से तो पर हम कैंसिलेशन करेंगे यहाँ पर हंड्रेड वन जे हंड्रेड हो जाएगा और हंड्रेड फाइव हो जाएगा फाइव हंड्रेड फाइव वन जो फाइव हो जाएगा और फाइव सिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर, तो पर हमें परसेंटेज डिक्रीज मिल चुका है सिक्सटी परसेंटेज इसका उस फॉरेस्ट के अंडर सिक्सटी परसेंटेज ऑफ ट्रीज डिक्रीज हुए थे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस इट इज रिटर्न In short, as CP, the price at which you sell is known as selling price or in short. एसपी किसी भी चीज की बाइंग प्राइस यानी जिस प्राइस में उसे खरीदते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस इसका शॉर्ट फॉर्म है सी पी उसी तरीके से प्राइस जितने में हम कोई आइटम को सेल करते है उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस उसका शॉर्ट फॉर्म है एस पी तो इसलिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को एग्जाम्पल से समझते हैं इस एक्साम्पल में हमें दिया गया कैंटीन ओनर ऑफ योर स्कूल बाइस सम लेस चिप्स पैकेट ईच फॉर रुपीज फाइव एंड सेल्स ईच पैकेट फॉर रुपीज सिक्स वॉट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन चिप्स आपके स्कूल का कैंटीन ओनर लेस चिप्स के कुछ पैकेट बाई करता है उसमें से एक पैकेट का कॉस्ट होता है रुपीज फाइव और वो हर पैकेट को रुपीज सिक्स में सेल करता है तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस प्राइस और सेलिंग फाइंड आउट करना है एक चिप्स का किसी भी आइटम का कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में उस आइटम को खरीदा जाता है तो यहाँ पर कैंटीन के ओनर ने लेस चिप्स के पैकेट को पांच रुपीज के अंदर खरीदा था इसलिए यहाँ कॉस्ट प्राइस आ जाएगा रुपीज फाइव और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में हम किसी चीज को बेचते हैं यहाँ पर कैंटीन ओनर ने रुपीज सिक्स के अंदर एक पैकेट को बेचा था तो इसलिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगा रुपीज सिक्स हमारे नेक्स्ट टॉपिक की प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज इस टॉपिक में हम देंगे कि हम प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए एग्जांपल वन देख इस में हमें दिया, में में दिया गया आपका फ्रेंड ऑनलाइन जाकर रुपीज एट थाउजें का एक फोन बाय करता है और उसे रुपीज एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड के अंदर एक शॉपकीपर को सेल करता है तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट और प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो so, चलिए सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस में हम किसी चीज को बेचते हैं और कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में हम किसी चीज को खरीदते हैं आपके फ्रेंड ने उस फोन को रुपीज एट थाउजें फाइव हंड्रेड में भेजा था तो इसलिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा रुपीस एट थाउजेंड यहाँ पर सब्ट के बाद हमें मिल जाएगा रुपीज फाइव हंड्रेड प्रॉफिट तो आपकी फ्रेंड को रुपीज फाइव हंड्रेड प्रॉफिट हुआ था फोन सेल करने के बाद नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट का परसेंटेज प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से जो की था एट थाउजेंड इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से यहाँ पर हंड्रेड वन जा हंड्रेड हो जाएगा जा और हंड्रेड एट्टी जाएगा एट थाउजेंड जीरो और जीरो, जीरो कैंसिल हो जाएगी जा टू फोर जा हो जाएगा एट और टू ट्वेंटी फाइव जा हो जाएगा फिफ्टी ट्वेंटी जा फाइव बाई फोर करने पर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज मिल जाएगा तो इसलिए पर हमें ट्वेंटी फाइव को अंदर लिख दूंगा और फोर को बाहर फोर सिक्स ट्वेंटी फोर सब ट्रेक करने पर हमें मिलेगा वन तो हमारे पास मिक्स सेक्शन आ जाएगा सिक्स वन बाई फोर यहाँ तो पर प्रॉफिट का परसेंटेज आ सिक्स वन बाई फोर परसेंटेज इसका मतलब आपके फ्रेंड को सिक्स वन बाई फोर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हुआ था चलिए एक्साम्पल टू देख लेते इस एग्जाम्पल में दिया गया राहुल बाइस साइकिल वर्थ रुपीज उज एंड सेल्स इट फॉर रुपीज फोर थाउजेंड कैलकुलेट द लॉस एंड इट्स परसेंटेज इस, इस में हमें दिया गया राहुल रुपीज सिक्स थाउजेंड की साइकिल बाय करता है और उसे रुपीज फोर थाउजेंड में सेल करता है यहाँ पर हमें लॉस और उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है यहाँ पर सबसे पहले हम लॉस को फाइंड आउट कर देंगे लॉस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस की तो साइकिल का कॉस्ट प्राइस था सिक्स थाउजेंड और सेलिंग प्राइस था फोर थाउजेंड सिक्स थाउजेंड माइनस फोर थाउजेंड करने पर हमें मिलेगा रुपीज टू थाउजेंड नेक्स्ट हम लॉस के परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे लॉस का परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉस को डिवाइड कर देंगे प्राइस से जो भी था सिक्स थाउजेंड और इसको तो तो हम लोग मल्टीप्लाई देगी और जीरो सब टैक करने पर हमें मिलेगा वन जीरो नीचे आ जाएगा दोबारा से थ्री थ्री नाइन हो जाएगा सब टेक का नंबर में मिलेगा वन तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ चुका है थर्टी थ्री वन बाई थ्री तो यहाँ पर हमें लॉस परसेंटेज मिल चुका है थर्टी थ्री वन बाई तो हमने लॉस और लॉस का परसेंटेज फाइंड आउट कर दिया चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इस एग्जांपल में हमें दिया गया सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज रुपीज फाइव फोर्टी इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज ट्वेंटी परसेंटेज वट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय इस क्वेश्चन में हमें टॉय कार का सेलिंग प्राइस दिया गया जो की है रुपीज और यहाँ पर हमें दिया गया कि शॉपकीपर को टॉय को बेचने के बाद ट्वेंटी का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर हमें इस टॉय का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है जो की है रुपीज और हमें प्रॉफिट का परसेंटेज भी गिवन है

प्राइस इक्वल टू गए प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस की इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के अंदर शॉपकीपर ने कुछ प्रॉफिट ऐड किया और उसे सेलिंग प्राइस के अंदर भेजा इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पता है मगर प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू पता है तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिटेजन है जो की 20%, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा ऑफ कॉस्ट प्राइस क्योंकि शॉपकीपर ने टॉय कार के कॉस्ट प्राइस के अंदर ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट लगाया और उसे सेलिंग प्राइस में सेल किया तो यहाँ पर बाकी सब एज इट इज आ जाएगा प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा

यहाँ पर हमें इसका और इसका एल्सियम फाइंड आउट करना है इसलिए मैं को कर दूंगा वन से यहाँ पर इस के अंदर मैं हंड्रेड को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर रुपीज फाइव फोर्टी इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी सी पी प्लस हंड्रेड सी पी डिडेड बाई हंड्रेड की नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं हंड्रेड को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूंगा और ट्वेंटी सीबी को हंड्रेड सीबी से एड कर दूंगा तो चलिए इस इसे यहाँ पर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर रुपीज फाइव फोर्टी इन टू हंड्रेड इक्वल टू हो जाएगा वन ट्वेंटी सी पी के फाइव फोर्टी इंटू हंड्रेड इक्वल हो जाएगा रुपीज फाइव फोरबल टू में यहाँ पर वन ट्वेंटी सी पी एज इट इज आ जाएगा वन ट्वेंटी मल्टीप्लाइड में तो लेफ्ट साइड में जाकेन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस की चलिए कैंसिलेशन करेगी यहाँ पर जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगी टू सिक्स जा हो जाएगा ट्वेल्व टू टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड जाएगा फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड टू थ्री जाएगा सिक्स यहाँ पर टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड को कैंसिल करके मिलेगा वन थ्री फाइव जीरो यहाँ पर हमें फाइव जीरो को थ्री से डिवाइड करना है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वन थ्री फाइव जीरो जाएगा फिफ्टीन सब्टैक करने पर हमें मिलेगा जीरो यहाँ पर और एक जीरो नीचे आ जाएगा थ्री जीरो जा हो जाएगा जीरो सब्टैक करने पर हमें मिलेगा, जा मिलेगा. जीरो तो यहाँ पर हमें टॉय कार का कॉस्ट प्राइस मिल चुका है जो की रुपीज फोर फिफ्टी तो हमने टॉय कार का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर दिया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट क्या होता है यहाँ पर हमें दिया गया द मनी यू बोरो इज नोन एज प्रिंसिपल पैसा जो हम बैंक से लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम द हैज टू पे सम एक्स्ट्रा मनी टू द बैंक दिस इज नोन एज इंटरेस्ट इस पैसे को कुछ समय रखने के लिए जो की बैंक से पैसा लेता है उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी बैंक को देना होता है इस एक्स्ट्रा मनी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट तो यहाँ पर हमें दिया गया यू कैन फाइंड द अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर बाय एडिंग द मनी बोरोड एंड द इंटरेस्ट तो अगर आप मनी जो कि आपने बोरो किया था और इंटरेस्ट जो कि एक्स्ट्रा मनी आपको बैंक को पे करना होता है तो वो दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा अमाउंट जो कि आपको साल के एंड में पे करना है बैंक को चली इन टर्म्स को एग्जांपल्स से समझते हैं यहाँ पर हमें दिया गया रोहित पैसा निकालने की अंदर कुछ भी पैसा नहीं है यहाँ पर हमें दिया गया सो ही टेक्स रुपीज फाइव थाउजेंड एज लोन फ्रॉम द बैंक विद इंटरेस्ट रेट फिफ्टीन परसेंट पर ईयर so तो रोहित रुपीज फाइव थाउजेंड लोन देता है बैंक से और जिसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हमें दिया गया फिफ्टीन परसेंटेज पर ईयर यानी अगर वो फाइव थाउजेंड लोन लिया है तो उससे साल के एंड में एक्स्ट्रा देना होगा का तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है जो कि की एक्स्ट्रा मनी जो उसको पे करना होगा एक साल के बाद यहाँ पर हमें भी करना है जो की उसको पे करना होगा तो पर प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो कि उसने बैंक से लिया था जो की रुपीज इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट रेट गिवन है जो की फिफ्टीन परसेंट पर ईयर तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा फिफ्टीन परसेंट ऑफ रुपीज तो हमने चैप्टर टू में देखा था कि हम ऑफ को सब्सिट्यूट करके मल्टीप्लीकेशन का साइन लिख सकते हैं Comm了, 15 100 और इट इज मल्टीप्लाई देंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हम तो हंड्रेड्रेड हो जाएगा, हो जाएगा तो पर हमें बैंक so को अगर वो एक साल के बाद रुपीज को लौटा रहा है तो रोहित ने पांच का लोन लिया था तो अगर वो एक साल के बाद लौटा रहा है तो उसमें देना होगा तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो की हमें मिल रहा है रुपीज

सकते नेक्स्ट टाइम हम एक साल के इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए ये कर सकते। अगर हमें कोई भी दी और रेट दिया गया तो इस फॉर्मूले में रोहित तीन साल के बाद पैसा लुटाता है तो उसको कितना इंटरेस्ट और अमाउंट देना होगा एक साल का इंटरेस्ट हमें पता है तो तीन साल का इंटरेस्ट हो जाएगा थ्री इंटू तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा रुपीज इसे हम और एक तरीके से सोल्व कर सकते हैं हमने ऊपर एक साल के इंटरेस्ट का फॉर्मुला देखा था जो इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड यहाँ पर रूपीज फाइव थाउजेंड है प्रिंसिपल फिफ्टीन है रेट और डिनोमिनेटर में है हंड्रेड तो इस एक्सप्रेशन से हमें एक साल का इंटरेस्ट मिल जाता है जो की रुपीज फिफ्टी तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें तीन साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आपको तीन साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा जो की रुपीज टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी तो इस एक्सप्रेशन से हमें एक और फार्मूला मिल जाता है जो की है इंटरेस्ट फॉर टी ऐस ऊपर हमें एक साल के इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिला था यहाँ पर हमें एक साल से ज्यादा वाले इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिल चुका ये फार्मूला बिल्कुल ऊपर वाले फार्मूला की तरह बस यहाँ पर ऊपर वाले फार्मूला में टी मल्टीप्लाई किया गया तो हमें आई इक्वल टू पी आर टी डिड बाई हंड्रेड कई टू पी टी आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड मिल चुका है तो इसके अंदर अगर हम लोग टी की वैल्यू वन पुट करेंगे तो हमें एक साल के इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि आई इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो चलिए अमाउंट भी फाइंड आउट कर देते हैं, जो रोहित को रिटर्न करना होगा तो तो हो तीन साल के बाद अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा रुपीज फाइव थाउजेंड प्लस रुपीज टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी क्योंकि तीन साल के बाद रोहित को प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर एक्स्ट्रा मनी यानी इंटरेस्ट एड करके देना होगा बैंक को तो यहाँ पर हमें अमाउंट इक्वल टू मिल चुका है रुपीज सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी इसका मतलब रोहित को रुपीज सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी तीन साल के बाद बैंक को पे करना है तो हमारा एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है इस वीडियो में हम देखेंगे सेन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर वन इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार पार्ट्स दिया गया है हर पार्ट के अंदर हमें बताना है कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमें प्रॉफिट का परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है और अगर लॉस हुआ है तो लॉस का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया गार्डनिंग शेयर बॉट फॉर रुपीज एंड सोल्ड फॉर रुपीज एक गार्डनिंग शेयर को रुपीज टू फिफ्टी में बाय किया गया था और सेल किया गया था रुपीस थ्री ट्वेंटी फाइव में यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है की यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो चलिए सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर देते यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस में उस गार्डनिंग शेयर को खरीदा गया था वो दिया गया हमें रुपीज टू फिफ्टी और सेलिंग प्राइस जिस प्राइस में उस गार्डनिंग शेयर को भेजा गया था वो था रुपीज थ्री ट्वेंटी फाइव यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस था रुपीज थ्री ट्वेंटी फाइव माइनस में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस जो की रुपीज टू फिफ्टी थ्री ट्वेंटी फाइव माइनस टू फिफ्टी करने

चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस पार्ट में हमें दिया गया रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड एंड सोल्ड एट रुपीस थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक रेफ्रिजरेटर को रुपीज ट्व था में बाई किया गया था और उस फ्रिज को सेल किया गया था रुपीज थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस जो की रुपीस थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस कॉस्ट प्राइस जो था रुपस ट्वेल्ल थाउजेंड थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस ट्वेल्व थाउजेंड करने पर हमें मिलेगा रुपीज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो यहाँ पर उस फ्रिज को सेल करने के बाद रुपीजन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का प्रॉफिट हुआ था तो चलिए नेक्स्ट फाइंड आउट कर देते दे हैं प्रॉफिट का परसेंटेज पर तो मैं लिख दूंगा प्रॉफिट परसेंटेज तो वो इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट जो कि था वन था थाउजेंड फाइव था। हंड्रेड डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस जो कि था रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड तो यहाँ पर दो जीरो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर भी दो जीरो कैंसिल हो जाएगा फाइव थ्री हो जाएगा फिफ्टीन फाइव ट्वेंटी फोर जो हो जाएगा वन ट्वेंटी नेक्स्ट यहाँ पर थ्री वन जो थ्री हो जाएगा और थ्री एड हो जाएगा ट्वेंटी फोर तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन आ चुका है वन बाई एट तो अब इस फ्रैक्शन का ऐसा इक्विट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर हंड्रेड है तो इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हंड्रेड से यहाँ पर टू फोर जो हो जाएगा एट और टू फिफ्टी जाएगा हंड्रेड टू टू जो हो जाएगा फोर और टू ट्वेंटी फाइव फिफ्टी यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले हंड्रेड को हम लोग कैंसिल नहीं करेगी क्योंकि परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर में हंड्रेड रहना जरूरी है चलिए ट्वेंटी आउट करते हैं यहाँ पर मैं अंदर लिख दूंगा ट्वेंटी फाइव और बाहर लिख दूंगा टू टू वन हमें मिलेगा जीरो फाइव नीचे आ जाएगा टू टू जो हो जाएगा फोर सब टैक करने पर हमें मिलेगा वन तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ चुका है ट्वेल्व वन बाई टू तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व वन बाई टू डिवाइडेड बाय हंड्रेड इस फैक्शन की डिनोमिनेटर में हंड्रेड है तो इसका मतलब न्यूमेटर हो जाएगा परसेंटेज तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा ट्वेल्व एंड हाफ इसको आप भी लिख सकते हैं। चलिए सी पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हमें बॉट फॉर रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सोल्ड एड रुपीज थ्री थाउजेंड में हमें दिया गया कि कबर्ट को बाई किया गया था रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड में और सेल किया गया था में। यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा रुपीज थ्री थाउजेंड जो की था सेलिंग प्राइस माइनस रूपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो की था कॉस्ट प्राइस तो ये इक्वल हो जाएगा रुपीज फाइव हंड्रेड की तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट का परसेंटेज प्रॉफिट का परसेंटेज फाइनड करेंगे हम रुपीज फाइव हंड्रेड जो की था प्रॉफिट उसे डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से जो जुकी रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो यहाँ पर रुपीज की सिंबल कैंसिल हो जाएगी फाइव फाइव्रेड वन फाइव हंड्रेड और फाइव हंड्रेड फाइव हो जाएगा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा वन बाई फाइव यहाँ पर हमें वन बाईव का ऐसा फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसमें डिनोमिनेटर हंड्रेड है तो इसलिए हम इस, इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ट्वेंटी को तो यहाँ पर न्यूमेटर में आजगा वन इंटू ट्वेंटी जो इक्वल हो जाएगा ट्वेंटी के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा फाइव इंटू ट्वेंटी जो की इक्वल हो जाएगा हंड्रेड के तो अब हमें वन बाई फाइव का इक्वेलन फ्रैक्शन मिल चुका है जो की है ट्वेंटी बाय हंड्रेड इसमें डिनोमिनेटर हंड्रेड है तो यहाँ पर न्यूमारेटर हो जाएगा परसेंटेज तो हमें प्रॉफिट का परसेंटेज मिल चुका है जो की है ट्वेंटी परसेंटेज So <laughs> the last part dikhte hai is part main main diya gaya. skirt bought for rupees 250 and sold at rupees 150 तो इस पार्ट में भी दिया गया कि एक स्कर्ट को रुपीज टू फिफ्टी में बाई किया गया था और सेल किया गया था रुपीज वन फिफ्टी में तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि लॉस हो रहा है तो यहाँ पर हम लॉस और लॉस का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर लॉस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस की तो कॉस्ट प्राइस टू फिफ्टी जिस प्राइस में इस स्कर्ट को बाई किया गया था इस प्राइस से हम लोग सब करेंगे रुपीज वन फिफ्टी जो की था सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगा रुपीज वन हंड्रेड नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे लॉस का परसेंटेज उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लॉस जो की था हंड्रेड उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से जो

इस वीडियो में हम देखेगीवन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर टू कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार पार्ट्स दिए गए हर पार्ट के अंदर हमें गिवन रेशियो के सभी पार्ट्स को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इस पार्ट में हमें रेशियो दिया गया थ्री इज टू वन तो यहाँ पर इस रेशियो के अंदर टोटल पार्ट आ जाएगी थ्री प्लस वन जो की इक्वल टू हो जाएगा तो फोर के तो फर्स्ट हिस्से के अंदर तीन पार्ट है तो उस हिस्से का फ्रैक्शन अट्रैक्शन थ्री बाई फोर उसी तरीके से सेकेंड हिस्से का फ्रैक्शन आ जाएगा वन बाय फोर तो यहाँ अब हमें दो फ्रैक्शन मिल चुके हैं इन दोनों फ्रक्शन को हमें परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो चलिए सबसे पहले थ्री बाई फोर को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐसा फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है जिसमें डिनोमिनेटर हंड्रेड है तो वैसा फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली नियोमेटर तो और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं हंड्रेड को तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे यहाँ पर फोर वन जा जाएगा फोर और फोर ट्वेंटी फाइव जा हो जाएगा हंड्रेड डिनोमीटर वाले हंड्रेड को हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिनामेटर में हंड्रेड रखना जरूरी है तो यहाँ पर हम थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव करेंगे तो हमें मिलेगा फाइव और डिनोमेटर में आ जाएगा

यहाँ पर आ जाएगा थर्टी डिवाइड बाई हंड्रेड और परसेंटेज आ जाएगा थर्टी परसेंटेज उसी तरीके से फाइव बाई टेन को भी हम मल्टीप्लाई और डिवेड कर देंगे से तो फ्रैक्शन आ जाएगा फिफ्टी परसेंटेज आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें रेशियो दिया गया वन इज टू तो फोर तो यहाँ पर टोटल पार्ट आएगा वन प्लस फोर जो की और यहाँ पर हमारे पास दो फ्रक्शन आ जाएगी वन बाय फाइव और फोर बाई फाइव इन फैक्शन को भी परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम और डिनोमेटो को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर न्यूमेटिव में वन इंट ट्वेंटी

वन बाई एट का ऐसा एक फ्रैक्शन फैक्शन फाइंड आउट करना होगा जिसमें है, हंड्रेड हम इस फैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से नेक्स्ट यहाँ पर टू फोर जाएगा एट और टू फिफ्टी हो जाएगा हंड्रेड टू टू जो हो जाएगा फोर और टू ट्वेंटी फाइव फिफ्टी यहाँ पर हम हंड्रेड को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें डिनोमीटर में हंड्रेड रखना जरूरी तो यहाँ पर अगर हम ट्वेंटी फाइव यार्ड बाई टू करेंगे तो हमें मिलेगा ट्वेल्व एंड हाफ और डिनोमीटर में हंड्रेड एज इट इज आ जाएगा तो यहाँ पर हमें वन बाई एट का ऐसा इक्वेल फ्रैक्शन मिल चुका है जिसमें डिनोमीटर हंड्रेड है तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा ट्वेल्व एंड हाफ परसेंटेज सिमिलरली इस फ्रैक्शन की नियम और डिमोमीटर से भी हमें मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड को यहाँ पर भी कैंसिल होकर आ जाएगा टू वंड्रेड कैंसिल होकर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव टू वाला हो जाएगा टू और टू टू हो जाएगा फोर तो यहाँ पर हमें equivalent fraction मिल चुका है ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड इसका मतलब हमारा आ है ट्वेंटी फाइव परसेंटेज तो इसी तरीके से लास्ट पार्ट के अंदर भी हम और हमटर से मल्टीपाइक कर देंगे हंड्रेड को तो यहाँ पर भी एट कैंसिल होकर जाएगा टू वहाँ हंड्रेड कैंसिल होकर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पर अब हम और कैंसिल नहीं करेंगे तो यहाँ पर फाइव इंटू ट्वेंटी हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव की और डिनामेटर में हम टू इंटू हंड्रेड को एच डीज देगी यहाँ पर वन ट्वेंटी फाइव को टू से डिवाइड कर देगी

इसका अंदर यहाँ पर अमाउंट ऑफ चेंज आ जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो कि इक्वल हो जाएगा फाइव हंड्रेड की यहाँ पर हमारे पास अमाउंट ऑफ चेंज आ चुका है ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल पॉपुलेशन हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो कि है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यहाँ परसेंटेज डिक्रीज हुआ था तो इसलिए यहाँ अमाउंट ऑफ चेंज जो भी था 500 हंड्रेड डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन जो भी था ट्वेंटी इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देगी 100 से जैसा कि हमें फॉर्मूले में दिया गया तो यहाँ पर दो जीरो कैंसिल हो जाएगी और डिनोमीटर में भी दो जीरो कैंसिल हो जाएगी 250 का एक जीरो और 500 का एक जीरो कैंसिल हो 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 जाएगा जा हो जाएगा 25, और जा हो जाएगा और तो हमें परसेंटेज डिक्रीज मिल जाएगा टू परसेंटेज तो सिटी के अंदर टू ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ इस वीडियो में हम देखेंगे का क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन में हमें दिया, दिया गया कि अरुण एक कार को बाई करता है थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड के अंदर और एक साल बाद उस कार का प्राइस बढ़ जाता है थ्री लाख सेवेंटी थाउजेंड तक तो हमें परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है उस कार के प्राइस का यहाँ पर हम सेम फार्मूला यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में यूज किया था यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है इस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करके हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो चलिए सबसे पहले अमाउंट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर देते हैं तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ चेंज इक्वल टू हो जाएगा इंक्रीज प्राइस जो की था थ्री लाख सेवेंटी थाउजेंड माइनस थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड जिस प्राइस में अरुण ने उस कार को खरीदा था तो यहाँ पर सब करने के बाद हमें मिल जाएगा रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ चेंज यानी गाड़ी में इतना अमाउंट चेंज हुआ था नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल प्राइस उस कार का तो वो इक्वल हो जाएगा थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड जिस प्राइस में अरुण ने उस कार को खरीदा था तो चलिए इन दो वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज जो की है थाउजेंड और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रुपीज थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड जिस प्राइस में अरुण ने इस कार को खरीदा था और लोग मल्टीप्लाई कर देंगे गे हंड्रेड से जैसा की इस फॉर्मुले में हमें दिया गया तो यहाँ पर ट्वेंटी थाउजेंड की चार्ज जीरो और थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड की चार्ज जीरो कैंसिल हो जाएगी फाइव

इस वीडियो में हम देखेंगे पॉइंट टू का इस के दिया गया आई बाई टीवी इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है साथ तो कितना पैसा मुझे मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है तो चलिए सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर देते यहाँ तो पर प्रॉफिट हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट ऑफ रुपी टेन थाउजेंड क्यूँकीउंड की टीवी में ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट लगा के भेज रहा हूँ कम लिख सकते ट्वेंटी बाई हंड्रेड हमने चैप्टर टू में देखा था कि हम ऑफ के बदले लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन का साइन पर ऑफ के बदले आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन और रुपीस टेन थाउजेंड एज इट इज आ जाएगा तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे पर दो जीरो कैंसिल हो जाएगी और 10, की भी दो जीरो कैंसिल हो जाएगी तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा ट्वेंटी इन टू हंड्रेड जो की टू थाउजेंड की सिंबल भी आ जाएगा तो यहाँ पर, पर हमें प्रॉफिट भी मिल चुका है तो उस प्रॉफिट के साथ अगर हम लोग टेलीविजन को भेजेंगे तो हमें कितना मनी मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है तो उस मनी को मैं मान लूंगा एम तो अन मनी इक्वल हो जाएगा टेन थाउजेंड जो की ओरिजिनल प्राइस प्लस रुपीज टू थाउजेंड तो यहाँ पर रुपीज टू थाउजेंड प्रॉफिट है जो की हम ओरिजिनल अमाउंट में एड करके भेज रहे टेन थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड इक्वल हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड की तो यहाँ पर हमारे पास अनोन मनी आ जाएगा रुपीज ट्वेल्व थाउजें तो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट हो चुका इस वीडियो में हम देखेंगे का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इस में हमें दिया गया जू ही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड शी लूजेस ट्वेंटी जूही एक वॉशिंग मशीन को रुपीज थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में सेल करती है वॉशिंग मशीन को सेल करने के दौरान उसका ट्वेंटी परसेंट लॉस होता है बार्गेन के चक्कर में तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने प्राइस में उसने वॉशिंग मशीन को भेजा था तो यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है जो की है रुपीज थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ पर हमें लॉस का परसेंटेज भी गिवन है जो कि की ट्वेंटीज हमें पता है है कि सेलिंग प्राइस प्राइस इक्वल टू होता कॉस्ट माइनस लॉस के यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है जो की रुपीज थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो सेलिंग प्राइस को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू लिख देंगे रुपीज थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस को हम लोग लिख सकते हैं ट्वेंटी परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस क्योंकि तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन को ओरिजिनल प्राइस से 20 परसेंट लॉस करके जो इन्ह ने भेजा था तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रुपीज थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इक्वल टू तो कॉस्ट प्राइस माइनस में 20, 20 परसेंट के बदल हम लोग लिख सकते हैं 20 ट्वेंटी ऑफ के बदले हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन का साइन जैसा की हमने चैप्टर टू में देखा था और कॉस्ट प्राइस एज इट इज आ जाएगा तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही अनोन वैल्यू बची है जो की कॉस्ट प्राइस तो उसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर इस कॉस्ट प्राइस को हम लोग वन से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि अगर हम लोग किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम

और रुपीज सीबीस ट्वेंटी आ जाएगा, जाएगा, जाएगा यहाँ पर रुपीज डिवाइड में लेफ्ट साइड में जाकर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा रुपीज थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन टू हंड्रेड इक्वल टू एटीन सी पी इस सोल्व करेगी यहाँ पर, पर राइट साइड में एट्टी मल्टीप्लाइड में तो लेफ्ट साइड में जाकेटी हमारे पास सी पी इक्वल हो जाएगा रुपीज थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई एटी तब एक जीरो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी टू फोर जो हो जाएगा एट टू फाइव टू टू जो हो जाएगा फोर टू सिक्स सेवन फाइव जीरो हो जाएगा थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट यहाँ पर टू वन जो टू हो जाएगा और टू थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव जो हो जाएगा सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी तो यहाँ पर रुपीज का सिम्बॉल थाउजेंड थ्री हंड्रेड एड से यहाँ पर हम थ्री थ्री सेवन फाइव को मल्टीप्लाई कर देव 5 से फाइव 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 सेवन थर्टी फाइव प्लस करने पर हमें मिलेगा सेवन और आ जाएगा एट यहाँ पर वन कैरी आ जाएगा फिफ्टीन प्लस वन करने पर हमें मिलेगा सिक्सटी तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है जो की रुपीज सिक्सटीन तो हमें प्राइस मिल चुका है जिस प्राइस के अंदर जुई ने वॉशिंग मशीन को खरीदा था तो हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है इस इस वीडियो में इस का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर के अंदर हमें दो पार्ट्स दिए गए चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो टेन इंसू थ्री टू ट्वेल्व फाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक, चौक. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें एक चौक दिया गया जिसके अंदर कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो भी यहाँ पर दी गई है जो की टेन इंस टू थ्री टू ट्वेल्व इसका मतलब चौक के अंदर कैल्शियम के दस पार्ट्स प्रेजेंट है कार्बन के तीन और ऑक्सीजन के बारह तो इस पार्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि कार्बन का कितना परसेंटेज उस चौक के अंदर प्रेजेंट है तो पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल पार्ट हमें टोटल पार्ट्स मिलेंगे जब हम कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन के पार्ट्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर टोल पार्ट इक्वल हो जाएगा टेन प्लस थ्री प्लस ट्वेल्व के जो कि इक्वल टू होता है ट्वेंटी फाइव के जिसका तो हमने चौक को ट्वेंटी फाइव इक्वल पार्ट्स में बांटा है यहाँ पर आपको इस डायग्राम से दिखेगा कि कार्बन के तीन पार्ट्स प्रेजेंट है ट्वेंटी फाइव पार्ट में से तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन इन चौक आ जाएगा थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव क्योंकि ट्वेंटी फाइव पार्ट्स में से तीन पार्ट्स कार्बन के तो अब हमें फ्रैक्शन मिल चुका है हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है

वेट ऑफ द चौक स्टिक अगर एक चौक स्टिक के अंदर कार्बन का वेट है थ्री ग्राम तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस चौक स्टिक का वेट कितना है हमने पार्ट वन में फाइंड आउट किया था कि एक चॉक के अंदर बारह परसेंट कार्बन प्रेजेंट होता है तो हम चॉक स्टिक के अननोन वेट को मान लेंगे एक्स तो अगर हम 12 परसेंट ऑफ एक्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बन का वेट जो कि है थ्री ग्राम ठीक हमने पार्ट वन में आउट किया था कि चौक के अंदर 12 कार्बन प्रेजेंट है तो पर हम 12 परसेंट को लिख सकते हैं 12 बाई हंड्रेड यहाँ पर ऑफ के बदले हम लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन का साइन जैसा कि हमने चैप्टर टू में देखा था यहाँ पर एक्स इक्वल टू थ्री ग्राम एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ट्वेल्व मल्टीप्लाइड में तो राइट right साइड में जब हो जाएगा डिवाइडेड बाय ट्वेल्व और यहाँ पर हंड्रेड डिवाइड में तो राइट right साइड में जगह इन टू हंड्रेड तो हमारे पास एक्स इक्वल टू आ जाएगा थ्री ग्राम इंटू हंड्रेड डिवाइडेड by 12. वन जी थ्री हो जाएगा थ्री फोर ट्वेल्व फोर वन फोर हो जाएगा ट्वेंटी इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में हम देखेंगे दिया गया अमीना बाइस अ बुक फॉर रुपीज टू सेवेंटी फाइव एंड सेल्स इट एट द लॉस ऑफ फिफ्टीन परसेंट हाउ मच डी सेल इट फॉर इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आमिना एक बुक बाई करती है रुपीज टू सेवेंटी फाइव में और उसे सेल करती है पंद्रह परसेंट लॉस के साथ तो यहाँ पर हमें करना है कि आमिना ने उस बुक को कितने रुपीज में सेल किया यानी यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस में अमीना ने बुक खरीदा था वो गिवन है जो की रुपीज टू सेवेंटी फाइव और लॉस का परसेंटेज भी गिवन है जो की फिफ्टीन परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस हमें पता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस के क्योंकि तो यहाँ पर अगर हम कॉस्ट प्राइस जो कि था रुपीज टू सेवेंटी फाइव उसमें से अगर लॉस को निकाल दे तो हमें मिल जाएगा अमीना ने कितने प्राइस में उस बुक को सेल किया तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस के जो कि पर, की रुपीज माइनस में यहाँ पर लॉस के बदले हम लिख सकते हैं फिफ्टीन ऑफ रुपीज क्यूंकि अमीना ने रुपीज टू सेवेंटी फाइव की बुक को पंद्रह परसेंट लॉस के साथ बेचा था तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एस पी इक्वल टू रुपीज टू सेवन माइनस पंद्रह परसेंट को फिफ्टीन बाई हंड ऑफ के बजाय लिख दे मल्टीप्लीकेशन का साइन जैसा कि हमने चैप्टर में देखा था यहाँ पर रुपीज टू सेवेंटी फाइव एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर रुपीज टू सेवन को अगर हम लोग वन से डिवाइड करेंगे तो हमें रुपीज टू सेवेंटी फाइव मिलता है तो इसलिए अब से अब हमें इन दो फैक्शन का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर देगी हंड्रेड को यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू तो हो जाएगा रुपीज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस फिफ्टीन इंटू टू सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड चलिए इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल तो हो जाएगा रुपीज 27,500 फाइव हंड्रेड माइनस फिफ्टीन इंटू टू करने पर मिलेगा हंड्रेड 4,125 करने पर हमें मिलेगा 23,375 और डिवाइड 23 में 100 एज आ जाएगा और यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू तो बजट इज जाएगा यहाँ पर हम 23,375 को डिवाइड कर रहे हैं 100 को डिवाइड करें से किसी भी नंबर का अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट दो डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा एंड में होता है तो डेसिमल पॉइंट दो डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होने के बाद हमें मिलेगा टू थर्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा रुपीज टू हंड्रेड तो एंड थर्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव क्वेश्चन नंबर एट कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर नाइन इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द द अमाउंट टू बी पेड एट एंड ऑफ इयर्स इन ईच केस इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो पार्ट्स दिए गए हर पार्ट में हमें बताना है कि बैंक को कितना अमाउंट पे करना है तीन साल के बाद क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको इस क्वेश्चन के बेसिक्स जानना जरूरी है मैंने एक्सरसाइज पॉइंट टू के इंट्रोडक्शन में सारे टर्म्स की मीनिंग बताकर रख दी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा की पहले आप जाकर वो वीडियो देख कर आए तो चलिए पार्ट पार्टी देखते इस पार्ट में प्रिंसिपल दिया गया है रुपीस वन थाउजेंड टू हंड्रेड प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हम बैंक से बॉरो करते हैं यानी बैंक से लोन देते हैं। तो यहाँ लेते हमें इंटरेस्ट रेट दिया गया है ट्वेल्व परसेंट पर एनम यानी अगर आप एक साल के बाद रूपीज वन थाउजेंड टू हंड्रेड लौटा रहे हो तो आपको बारह परसेंट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा वन थाउजेंड टू हंड्रेड के साथ मगर इस पार्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कितना अमाउंट बैंक को पे करना है तीन साल के बाद यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो जैसा कि मैंने कहा था कि प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप बैंक से लेते हैं इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा मनी होगा जो हमें लौटाना होगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो चलिए इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर दे इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है है पी टी आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड इस फॉर्मूले के अंदर P है प्रिंसिपल अमाउंट T है टाइम जो कि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है इयर्स, R है रेट जो की ट्वेल्व परसेंट पर एनम यानी ट्वेल्व परसेंट पर ईयर ये इक्वेशन कैसे आया वो मैंने सेवन पॉइंट टू इंट्रोडक्शन में बता रखा है तो चलिए गिवन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो आई इक्वल टू हो जाएगा वन थाउजेंड टू हंड्रेड इंटू टाइम जो की है थ्री ईयर इंटू में आ जाएगा रेट जो की है ट्वेल्व और डिवाइड में आ जाएगा हंड्रेड यहाँ पर दो जीरो कैंसिल हो जाएगी और न्यूमेट्रिक भी दो जीरो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर ट्वेल्व इंटू थ्री करने पर हमें मिलेगा थर्टी सिक्स तो यहाँ पर आ जाएगा आई इक्वल टू थर्टी सिक्स इंटू ट्वेल्व थर्टी सिक्स इंटू ट्व करने पर हमें मिलेगा 432, तो हमारे पास इंटरेस्ट आ, तो आ चुका है यानी तीन साल के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ रुपीज फोर थर्टी टू एक्स्ट्रा देना है तो यहाँ पर अमाउंट जो कि आपको रिटर्न करना है बैंक को वो इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट जो कि था रुपीज वन थाउजेंड टू हंड्रेड जो कि अपने बैंक से लिया था प्लस में रुपीज फोर थर्टी 1200 प्लस फोर थर्टी रूप करने पर हमें मिलेगा 1632 और यहाँ पर का सिंबल आ जाएगा तो जबकि हमें अमाउंट मिल चुका है जो कि हमें बैंक को तीन साल के बाद लौटाना है चलिए पार्ट बी देखते इस पार्ट में हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया और इंटरेस्ट रेट दिया गया एनएम पर यानी पर ईयर तो यहाँ पर भी अमाउंट इक्वल टू तो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है तो चलिए इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट का आ जाएगा पी टी आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है जो की सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये वो अमाउंट है जो कि आपने बैंक से लिया था मल्टीप्लाइड में यहाँ पर टाइम आ जाएगा थ्री इयर्स यानी आपको तीन साल के बाद इस पैसे को लौटाना है मल्टीप्लाइड में आ जाएगा इंटरेस्ट रेट जो कि है फाइव इसको हम लोग डिवाइड करेगी हंड्रेड से तो चलिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर दो जीरो कैंसिल हो जाएगी और निमेटर की भी दो जीरो कैंसिल हो जाएगी पर, फिफ्टीन हो जाएगा, फिफ्टीन करने पर हमें मिलेगा वन था। वान था। वान था। था। तो पर हमारे पास इंटरेस्ट आ चुका है तो चलिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की वैल्यू को अमाउंट वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं तो अमाउंट जो कि आपको बैंक को तीन साल के बाद बताना है वो इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल के जो की है रुपीज से प्लस में इंटरेस्ट जो कि एक्स्ट्रा मनी है जो कि आपको बैंक को देना है वो है रुपीज वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव करने पर हमें मिलेगा एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव आप आ जाएगा रुपीजी का सिंबल तो हमें अमाउंट जो कि हमें तीन साल के बाद लौटाना है वो मिल चुका है जो कि रुपीज एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू का टेन। इस में हमें दिया गया रुपीस 280 रुपीस इस के हमें वो इंटरेस्ट रेट बताना है जो कि रुपीज फिफ्टी सिक्स थाउजेंड के अंदर दो साल में रुपीज टू एट्टी इंटरेस्ट देता है हमने एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू के इंट्रोडक्शन में देखा था कि इंटरेस्ट की वैल्यू होती है पी टी आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड इस फॉर्मूले के अंदर पी है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आप बैंक से बॉरो करते हैं या लोन लेते हैं और इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज फिफ्टी सिक्स थाउजेंड इस फॉर्मूले के अंदर टाइम मेजर किया जाता है इयर्स में इस क्वेश्चन में टाइम गिवन है टू इयर्स रेट की वैल्यू अनोन है और यहाँ पर हमें इंटरेस्ट की वैल्यू भी दी गई है रुपीज टू एट्टी तो इस इक्वेशन के इक्वेश सारी वैल्यूज को पुट करके रेट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर 280 जो कि है इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट जो कि कि है 56 जो है 56,000 इयर्स टाइम रेट जो अननोन डिवाइडेड बाय 100 तो अब आपको इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है यहाँ पर हंड्रेड डिवाइड में तो लेफ्ट साइड में जाके हो जाएगा इन टू हंड्रेड यहाँ पर फिफ्टी सिक्स थाउजें मल्टीप्लाइड में तो लेफ्ट साइड में जाकेगा डिवाइडेड बाई फिफ्टी सिक्स थाउजेंड उसी तरीके से टू भी लेफ्ट साइड में जाके हो जाएगा डिवाइडेड जाकेड टू तो यहाँ पर आर इक्वल टू हो जाएगा टू एट्टी इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई फिफ्टी सिक्स थाउजेंड इन टू टू यहाँ पर न्यूमिटर की तीन जीरो टू हो, हो जाएगा और टू फोर्टीन 28। यहाँ पर टू सेवन सा फोर्टीन यहाँ पर फोर्टीन वन सा फोर्टीन हो जाएगा फोर्टीन फोर सा फिफ्टी सिक्स तो हमें रेट मिल चुका है वन बाय फोर

अगर मीना एक साल में रुपीज फोर्टी फाइव इंटरेस्ट देती है नाइन परसेंट इंटरेस्ट रेट पर ईयर के साथ तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है जो कि उसने बैंक से लिया था अगर आपको इस क्वेश्चन की टर्म्स समझ में नहीं आ रहे तो मैंने एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया है आप पहले जाकर वो वीडियो देख सकते हैं तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट गिवन है जो कि है रुपीज फोर्टी फाइव इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा मनी होता है जो कि हमें बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है अगर हम बैंक से कोई अमाउंट ले रहे यहाँ पर हमें इंटरेस्ट का रेट भी गिवन है जो कि है इंटरेस्ट रेट वो एक्स्ट्रा परसेंटेज होता है जो की आपके लोन में लगता है जैसे कि आपने अगर बैंक से हजार रूपए का लोन लिया तो आपको इसका नाइन परसेंट एक्स्ट्रा पे करना होगा थाउजेंड का नाइन परसेंट होता है नाइन्टी इसका मतलब आपको टोटल वन थाउजेंड नाइन्टी पे करना होगा यहाँ पर हमें टाइम भी दिया गया है जो की है वन ईयर यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट वो अमांट होता है जो की आप बैंक से बॉरो करते या लोन देते तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है एक्सरसाइज पर टू के इंट्रोडक्शन में देखा था कि इंटरेस्ट की वैल्यू होती है पी टी आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड इस फॉर्मूले के अंदर पी है प्रिंसिपल अमाउंट टी है टाइम और आर है इंटरेस्ट रेट इस इक्वेशन के अंदर हमें इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है जो कि है रुपीज फोर्टी फाइव और टाइम की वैल्यू गिवन है जो कि है वन ईयर और रेट की वैल्यू गिवन है जो की नाइन परसेंट तो इन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज फोर्टी फाइव इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो कि अननोन है इन वन ईयर इन आर जो भी है पर में, तो लेफ्ट साइड में जाकेगा इन टू हंड्रेड और यहाँ पर नाइन मल्टीप्लाइड तो में हुझे हुझे बाएट बाएट तो लेफ्ट साइड में जाकेगा इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई नाइन 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 हो जाएगा और नाइन फाइव हो जाएगा फोर्टी फाइव तो हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी फाइव हंड्रेड और यहाँ पर रुपीज का सिम्बल आ जाएगा क्योंकि हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर रहे थे हमें प्रिंसिपल मिल चुका है जो की रुपीज फाइव हंड्रेड इसका मतलब मीना ने रुपीज फाइव हंड्रेड बोरो बैंक से तो हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू भी कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ हमारा चैप्टर सेवन भी कंप्लीट हो चुका है।